बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी और पी चिदम्बरम पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ममता देशद्रोहियों का साथ देती रहेंगी तो उन्हें चिदम्बरम और दूसरे नेताओं की तरह ही सबक सिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, विधायक ने ममता को बांग्लादेश चले जाने की नसीहत दे डाली है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को अगर देश में रखना चाहती हैं और राजनीति करना चाहती हैं तो अगर उनमें हिम्मत है तो वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाएं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विदेशी भारत में शरणार्थी बनकर रहें और यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते रहें। इसके आगे सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुस्तानी हैं तो वे यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर वे देशद्रोही भावनाओं से प्रभावित होती रहेंगी तो उन्हें पी चिदम्बरम और दूसरे नेताओं की तरह ही सबक सिखाया जाएगा। बता दें कि पी चिदम्बरम फिलहाल कानूनी मसलों में फंसे हुए हैं। उन्हें INX मीडिया केस में 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल आजकल उनका नया पता बना हुआ है। सुरेंद्र सिंह पहले भी ममता बनर्जी के बारे में गलत बयानबाजी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि हनुमान रूपी योगी ने लोकसभा चुनाव में आधे बंगाल का दहन कर दिया है, विधानसभा चुनाव में वो पूरे बंगाल का दहन कर देंगे। बता दें कि पिछले दिनों सुरेंद्र सिंह ने मुसलमानों पर भी एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों में एक आदमी की 50-50 बीवियां होती हैं। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह ने एक विवादित दावे में ये भी कहा था कि साल 2024 तक संघ के 100 साल पूरे होने पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। सुरेंद्र सिंह ने एक बार ये भी कहा था कि बच्चे प्रसाद होते हैं, हर हिंदू को 5-5 बच्चे करने चाहिए। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।